हे हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे और आ गए होंगे एक और नई वीडियो एडिटिंग के साथ। सो इस वाली वीडियो में बताऊंगा कि आप जो स्टार्टिंग में मतलब कि आप जो प्रीव्यू में देखेंगे लाइक्स वो कैसे एडिट कर सकते हो और आप स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हो बीट सिंस वाला। सो वही सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आज का जो थोड़ा वॉइस है ना मैनेज कर ले, थोड़ा सा बीमार हूँ इस वजह से बोल रहा हूँ। सो सबसे पहले आपको मैं अपने प्रीव्यू दिखाता हूँ और फिर आगे बात करते हो। और उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, वरना डिसलाइक कर सकते हो। सो लाइक और डिसलाइक आप पे डिपेंड है, जो मर्जी करके जाएं। और हाँ, सबसे पहले आप प्रीव्यू देख ले फिर आगे बात करते हैं। I love you. End तक, interval तक नहीं। मेरा lifetime का guarantee है। गाइज इस टाइप की वीडियो बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। और जो भी मीडियस मैंने इस वीडियो में यूज़ किया उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके इजीली से डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना आपको जो अपने लाइट मोशन को ओपन करना है और हाँ प्रोजेक्ट वगैरह सारे डाउनलोड कर ले, और जिनका जो है XML में यूज़ कर सकते हो, जिनका प्रीसेट लिंक में इंपोर्ट नहीं हो रहा वो, और फॉन्ट वगैरह भी डाउनलोड कर ले, उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको लाइट मोशन को ओपन करना है, तो यहाँ से जो मैं अपने लाइट मोशन को ओपन करके बताता हूँ आगे क्या करना है। तो यहाँ से जो मैं अपने लाइट मोशन में आ गया हूँ, और लाइट मोशन ओपन करने के बाद आपको प्रोजेक्ट के ऑप्शन में जाना है। और पहले आपको जो बीट मार्क पोर्ट कुछ इस से नहीं को मिलेगा, जहाँ पे आपको जो सॉन्ग मिलेगा एंड इस टाइप से बीट मार्क लगे होंगे, तो ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। देन आपको जो है लिखना है यहाँ पे सारा कुछ खुद। तो कैसे लिखोगे, आपको सबसे पहले प्लस पे ऑप्शन पे टैप करना, जो यहाँ पे प्लस का ऑप्शन उस पर टैप करेंगे। देन आपको टेक्स्ट के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे आपको जो आई लिख लेना, मतलब कि स्टार्टिंग में आई बोलते हैं तो आई लिख लेते हैं। देन यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आपको टॉप में राइट से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे टिक का ऑप्शन मिलेगा, और उसके पीछे आपको जो है मिल जाएगा इस टाइप से यहाँ पे कलर का ऑप्शन, तो कलर आपको कोई सा भी रख सकते हो। तो यहाँ से मैं रेडी रख लेता हूँ, और देन आपको जो है यहाँ पे एडजस्ट कर लेना अपने साइज को। एंड देन आपको जो उसके लेफ्ट में मिलेगा फॉन्ट का ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको इस पे टैप करना है। देन आपको ये वाला फॉन्ट को सिलेक्ट करना है और देन आपको टिक करना है, और इसको जो सेंटर में लाने के लिए उसके लेफ्ट वाला ऑप्शन, जहाँ से फॉन्ट चूज करा था उसके लेफ्ट वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे इस टाइप से सेंटर में आ गया। देन सिंपली टिक करेंगे और इसके जो साइज को ना थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंगल टेक्स्ट है, तो यहाँ से हमने बड़ा कर लिया। अगर हमको क्या करना, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर राइट से थर्ड ऑप्शन में इस टाइप से इसको और बड़ा कर सकते हो। देन इस टाइप से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको सेंटर में एडजस्ट करेंगे, और यहाँ पे आपको आगे चले जाना, और आगे जाने के बाद इसका एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। और कट कर लेने के बाद गाइस आपको क्या करना, यहाँ पे इस पे टैप करना, देन कलर एंड फिल के ऑप्शन में जाना और इस वाले ऑप्शन पे टैप करके इस कलर को जो है डार्क कर लेना। पहले लाइट आ गया था तो यहाँ से हमने कर लिया। ना कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है, इस पर एनिमेशन लगाना। सो उसके लिए आपने इस पर टैप करना, देन आपको इफेक्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। सो इफेक्ट के ऑप्शन में जाएंगे, देन ऐड इफेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, सो ऐड इफेक्ट पे टैप करेंगे। देन आपको क्या करना गाइस, आपको नीचे स्लाइड करके आ जाना और यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, सो आपने टेक्स्ट के ऑप्शन पे टैप करना, और यहाँ पे आपको टेक्स्ट फॉर्मेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, टेक्स्ट फॉर्मेशन, तो आपने इस पर टैप करना। देन गाइस आपको स्टैंडर्ड सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है सबसे ऊपर, सो उस पर टैप करेंगे, और देन यहाँ पे कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा, तो आपको स्लाइड करके ऊपर की ओर जाना है।
और यहाँ पे ऑफसेट का ऑप्शन होगा, सो उस पर टैप करेंगे और देन आपको गाइस दो मार्क मतलब की लगाना, सो ये वाला की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना, सेंटर में एक की लगाना और एक स्टार्टिंग में की लगाना, सो इस टाइप से दो की लगाएं और इस टाइप से आपको जो फर्स्ट की पे आना है। और यहाँ पे आपको क्या करना गाइस, और यहाँ पे एक चीज़ भूल गया था मैं, यहाँ पे आपको वाई में कर लेना है, सो वाई में कर लें और देन आपको क्या करना, यहाँ पे एक की लगाना और एक स्टार्टिंग में और एक सेंटर में, सो दोनों की लगा लें। और की लगा लेने के बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको एनिमेट करना। सो वो कैसे करोगे, सबसे पहले आपको जो है स्टार्टिंग वाले की पे आना है और स्टेप से आपको इसको माइनस में कर लेना। तो यहाँ पे देख सकते हो ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे आपको देख लेना कितना ऊपर से आपको स्लाइड डाउन करवाना है। तो यहाँ पे आपको मैं कर लेता हूँ 220 रख लेता हूँ, तो इतना बहुत है। देन आपको क्या करना गाइज, आपको स्टेप से आपको देखने को मिलेगा, तो देख सकते हो कुछ इस टाइप से होगा। देन आपको इन दोनों के सेंटर में आ जाना, देन यहाँ पे कर्व का ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब कि इस टाइप से, तो इस पर आपने टैप करना और उस टाइप से इसको कर्व दे देना। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से कर्व दे लें और देख सकते हो गाइज कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो फाइनली जो हो गया, अब इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। सो अब आपको गाइज इस टाइप से ये लिख लिया, देन आपको अगले टेक्स्ट को लिखना है। सो इस वाले पॉइंट पे आए और देन इसका इसे कॉपी लेयर कर लेते हैं और यहाँ पे हमको पेस्ट लेयर कर लेना। और देन आपको अगले वाले बीट मार्क पे जाके इसका एक्स्ट्रा पार्ट कट करना। सो वो कैसे करोगे, आपने इस पर टैप करना, देन यहाँ पे स्पीड वाला ऑप्शन होगा और इस वाले ऑप्शन पे टैप करके कट कर लें। देन यहाँ पे सेकंड जो है लेयर था उस पर लव लिखना था, तो एल लिख लिया और एल कुछ इस टाइप से आ रहा था, हम ये वाला एल लेंगे और यहाँ पे इसके साइज़ को कम करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसके साइज़ को कुछ इतना कर लिया और कर लेने के बाद इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते, तो यहाँ पे इतना कर लिया और कर लेने के बाद इसका कलर चूज़ करेंगे, तो कलर एंड फील के ऑप्शन में जाएंगे और इसका कलर चेंज कर लेते, ये वाला रख लेते हैं और यहाँ पे इसका जो कलर भी डार्क कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमने कर लिया और देन आपको गाइस दूसरा लेयर लिखना, मतलब दूसरा टेक्स्ट लिखना है, तो हमने कुछ इस टाइप से लिख लेना। देन आपको इस पर टाइप करना और यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है, आपने इस पर टैप करके यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर करना है। सो डुप्लीकेट लेयर कर लेने के बाद आपको जो सबसे ले नीचे वाला या कोई सा भी लेयर को टैप करके स्टेप से स्लाइड करेंगे और जो जो स्टेप से लेफ्ट वाला लेयर होगा ना उसको थोड़ा सा लेफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे कर लिए और सेकेंड वाले लेयर पर टैप करेंगे और OVEL। तो यहाँ पे हमने लव लिख लिया, देन आपको जो है सेकंड वाले लेयर का जो जिसमें आपको सेकंड टेक्स्ट लिख रहे हो उसका जो है यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट को चेंज करना। सो ये वाला फ़ॉन्ट ले लें और देन आपको उसका कलर को वाइट कर लेना, तो यहाँ से वाइट कर लें और कर लेने के बाद का इसका साइज़ वगैरह हम बाद में कम करते हैं, तो यहाँ से आपको छोटा कर सकते हो मूव एंड ट्रांसफर से। तो यहाँ से हमने कर लिया कुछ इस टाइप से और देन आपको यहाँ पे इतने पे सेट कर लेना। सो कर लेने के बाद गाइस देख सकते हो कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा और जो नीचे वाला लेयर है उसको नीचे से आपको एनिमेट करना। सो यहाँ पे आपको क्या करना, इफेक्ट के ऑप्शन में जाना और यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेशन पे चले जाना। देन गाइस आपको ऑफसेट के ऑप्शन में जाना और यहाँ पे आपको स्टार्टिंग वाला की उस पर चले जाना और वाई एक्सिस में टैप करके। देन इसमें जो आपको देख सकते हो यहाँ पे आपको जो है कम हो गया, तो हमने 220 लगाया था तो वो ही आपने याद रखना। तो यहाँ पे आपको क्या करना, पॉजिटिव में कर लेना, अगर आप पहले नेगेटिव में कर रहे हो तो दूसरा जो है टैक्स आपको पॉजिटिव में कर लेना। तो यहाँ से हमने 220 पॉजिटिव में कर लिया, तो यहाँ पे 220 पॉजिटिव में कर लिया और यहाँ पे कर्व के ऑप्शन में जाना और यहाँ पे भी कर्व दे देना कुछ इस टाइप से दे लेना। सो यहाँ पे हमने दे लिया, तो देख सकते हो गाइस कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने सेकंड टेक्स्ट भी लिख लिया, इसी टाइप से आपको सेकंड वाला थर्ड वाला टेक्स्ट भी लिख लें। तो यहाँ से मैंने स्टार्टिंग वाले तीन थे वो तो आपको समझ आ गया होगा, देन आपको ये वाला जो इस पर लगाना था वो भी मैं सिखा देता हूँ। तो आपने क्या करना, आपने इस पर टैप करना, मतलब इसके जो जो फाउंट ले रहा हूँ मैं ये वाला ले रहा हूँ, तो एडजस्ट कर लेना ये सारा, ठीक है। देन आपको क्या करना, टिक पे ऑप्शन पे टैप करके देन इफेक्ट के ऑप्शन में चले जाएंगे और एड इफेक्ट पे टैप करेंगे और यहाँ वहीं से आपको जो सेम वाला प्रोसेस करना, आपको टेक्स्ट फॉर्मेशन में चले जाना और जाने के बाद गाइज अब इस पे क्या करना है, यहाँ पे आप फेड अप टू राइट यहाँ पे प्रीसेट मिल रहा है फर्स्ट, आपने उस पर टैप करके इसको अनेबल कर लेना। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से होगा, देन आपको एंड पे टैप करोगे और एंड को तो खींच के थोड़ा सा आगे को कर लेंगे, तो जितना आगे मतलब सेंटर तक कर लें। तो देख सकते गाइज इसका कुछ इस टाइप से हो गया और ये भी आपको पता लग गया। देन आपको जो ऊपर वाला लेयर था वो आप बताता हूँ, लास्ट टेक्स्ट के एनिमेशन बता रहा हूँ। सो नीचे वाला जो यहाँ पे मेरे चैनल का नाम है, सो उसका एनिमेशन कैसे लगाया था मैंने, सो आपने इस पर टैप करना उसके लिए। देन इफेक्ट के ऑप्शन में जाना, एड इफेक्ट पे टैप करना और यहाँ पे आपको गाइस वहीं से चले जाना है टेक्स्ट पे और टेक्स्ट फॉर्मेशन पे टैप करना और स्टैंडर्ड हेडिंग पे टैप करना। और करने के बाद गाइस आपको क्या करना, यहाँ पे आपको स्टेप से आगे आना है, ऊपर करना और ऊपर करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना, ऑफसेट पे वापस से टैप करना। और पिछली बार क्या कर रहे थे हम जो है मतलब कि एक्स एक्सिस पे टैप करके कर रहे थे, तो इस बार वाई एक्सिस पे ही रहने देना। देन आपको क्या करना, एक की लगाना सेंटर में, तो यहाँ पे एक की लगाया और एक स्टार्टिंग में लगा लेना। सो यहाँ पे दो की लगा लिया और यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर लेता हूँ। देन आपको स्टार्टिंग वाला किया उस पर आपने टैप करना और यहाँ पे ऑफसेट आपको थोड़ा सा इतना पे कर लेता हूँ की, ठीक है। और ऑफसेट को आपको देख लेना कितना रख रहा है, तो आपको इस टाइप से आपको नेगेटिव में पहले करना है, तो यहाँ पे नेगेटिव में आपको स्लाइड करना है।
देन यहाँ पे हमने कुछ कितना कर लिया, 400 कर लिया, तो 400 बहुत है। देन आपको स्टेप से आगे आना और यहाँ पे कर्व के ऑप्शन में जाके इसको भी कर्व दे देना। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइज, यहाँ पे कर्व दे दिया और यहाँ पे कुछ स्टेप से एनिमेशन देखने को मिल रहा है। सो इस स्टेप से आपको जो है इसको क्रिएट कर लेना है, देन आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। जी यार, यहाँ पे मैंने जो सारे टेक्स्ट लिख लिए हैं, अब आपको गाइस आपको इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना है। देन आपको चले जाना है यहाँ पे प्रोजेक्ट पे और टैप करके रखना और यहाँ पे डिलीट के राइट साइड में ऑप्शन मिल रहा है उस पर टैप करके इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर लेना। देन आपको मेन प्रोजेक्ट में जाना, कोई सा भी प्रोजेक्ट में, देन आपको चले जाना कुछ इस टाइप से आगे और देन आपको म्यूजिक पे टैप करके कट लगा लेना और इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको करें म्यूजिक को भी डिलीट कर ले, यहाँ से हमने कर लिया। अब आपको करना है यहाँ पे आपको सेटिंग के राइट साइड में ऑप्शन मिल रहा है उस पर टैप करके वीडियो पे टैप करके एक्सपोर्ट पे टैप करेंगे और यहाँ से इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। देन आपको नोट वीडियो को ऐप को ओपन करना है। से जब आपने नोट वीडियो ऐप को ओपन कर लिया हो, देन आपको न्यू पे टैप करना है। देन आपको गाइज यहाँ पे आपको रेशो पे टैप करना है, देन कस्टम पे टैप करना और यहाँ पे रेजोल्यूशन को रख लेना 1080 ओके और उसके आगे वाले को रखना 2340। तो यहाँ पे मैंने कर लिया और ओके एन आई पी एस को आपको टैप करना और यहाँ पे 60 रख लेना। तो यहाँ पे मैंने 60 कर लिया एंड ओके। देन आपको अगर ना रूट के राइट साइड में ऑप्शन मिल रहा है प्लस का, सो उस पर टैप करेंगे। देन आपको मीडिया के ऑप्शन में जाएंगे और देन आपको अगर ना मीडियो के ऑप्शन में जाना और यहाँ पे आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अगर ना कोई सा जो वीडियो आपने एक्सपोर्ट करा था अलाइड मोशन से उस वीडियो को सिलेक्ट करना और सिलेक्ट करने के बाद गाइज आपको नीचे ग्रीन ग्रीन का साथ दिख रहा पोर्शन, तो आपने इसको टैप करके आगे करना और यहाँ पे आपको टेक्स्ट देखने को मिल जाएगा। सो आपने क्या करना, ऑडियो के नीचे प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, सो आपने इस पर टैप करना है। देन आपको क्या करना, ब्लेंड यहाँ पे आपको इफेक्ट के ऑप्शन में जाना और देन आपको क्या करना, स्टेबलाइज के ऑप्शन में जाना और ग्लो पे टैप करके इसको इनेबल कर लेना। देन गाइस आपको देख लेना है अपने हिसाब से इसको मैनेज करना। तो यहाँ पे स्कैटरिंग को थोड़ा सा कम कर लेना और कम करने के बाद यहाँ पे थ्रेशोल्ड के स्टार्टिंग पॉइंट को भी थोड़ा सा कम करना, इंटेंसिटी को बढ़ा लेना और बढ़ा लेने के बाद आपको क्या करना गाइस कि यहाँ पे ग्लो कलर यहीं रहने देना और देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको देख लेना अपने हिसाब से इसको सेट कर लेना। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ और थ्रेशोल्ड को भी थोड़ा कम कर लेता हूँ। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे जो फाइनली हो गया और इस टाइप से कर लेना। देन आपको होम के राइट साइड में ऑप्शन मिलेगा अपलोड का, सो उस पर टैप करके और ग्रीन कलर का प्ले बटन होगा, सो उस पर टैप करोगे तो ये एक्सपोर्टिंग पे लग जाएगा। देन वापस से आपको जो अपने लाइट मोशन को ओपन करना है, पे आपको जो जिसका डुप्लीकेट प्रोजेक्ट कर रहा था ना वो वाला प्रोजेक्ट को ओपन करना है जिसका आगे भी म्यूजिक वगैरह होगा। देन आपको अगर ना गाइस आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहा है, मतलब दो डब्बे, से उस पर टैप करके और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल लेयर पे टैप करना और म्यूजिक को अनचेक कर लेना और देन आपको डिलीट के ऑप्शन पे टैप करके इसको डिलीट कर लेना और देन आपको प्लस पे टैप करना और मीडिया के ऑप्शन में जाके जो आपने वीडियो अभी एक्सपोर्ट करा था नोट वीडियो ऐप से उसी वीडियो को आपने सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से जो मैंने अपने लाइट मोशन को ओपन कर लिया हूँ और लाइट मोशन ओपन करने के बाद उस वीडियो को भी इंपोर्ट कर लिया हूँ और देन आपको लास्ट वाले पीट मार्क पे आना और देन आपको वीडियो पे टैप करके इस वाले ऑप्शन पे टैप करके इसका एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लेना। देन आपको इसी पर मतलब इस वाले डिवीजन तक आ जाना गाइस। देन उसके आगे जितने सारे भी पीट मार्क उन सब पे आपको जो है फोटो सबको इंपोर्ट करना, सो उसके लिए आपको इस वाले पॉइंट पे आना, देन प्लस पे टैप करना, देन आपको मीडिया के ऑप्शन में जाना और इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा फोटोज थोड़े से। तो ये सारे मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा तो जाके इजीली से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कोई सा भी इमेज को सिलेक्ट करते हैं और देन गाइस आपको यहाँ पे फिल स्क्रीन नहीं करना होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्क्रीन शॉट लेके साफ करा हुआ है फोटो को। तो यहाँ पे आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना और ऐसे थर्ड ऑप्शन और इस टाइप से इसको जूम करना पड़ेगा आपको, तो जूम कर लें। देन आपको क्या करना, यहाँ पे एरो पे टैप करके अगले वाले बीट मार्क पे जाना और इस वाले ऑप्शन पे टैप करके कट लगाएं। देन फिर से प्लस पे टैप करेंगे इमेज एंड वीडियो, देन अगले इमेज को सिलेक्ट करनी है तो यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिया। देन आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना राइट से सेकंड ऑप्शन और स्टेप से इसको जूम कर लेना, देन अगले वाले बीट मार्क पे जा गए और इस वाले ऑप्शन पे टैप करके कट कर सकते हो। देन फिर यहाँ पे मैंने सभी फोटोज को इंपोर्ट कर लिया और इंपोर्ट करने के बाद कई स्टेप से आपको देखने को मिलेगा। सो आपको अभी इन पे इफेक्ट लगाना, सो उसके लिए आपको क्या करना, इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना और अपने जो इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन करना और यहाँ पे आपको दो इफेक्ट देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप से। तो आपने फर्स्ट वाले इमेज पे टैप करना, देन इफेक्ट के ऑप्शन जाना, थ्री डॉट पे जाकर यहाँ से कॉपी इफेक्ट करना, देन इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आएंगे और अपने बीट मार्क प्रोजेक्ट का ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको स्लाइड करके आगे जाना और यहाँ पे स्टेप से जहाँ से फोटो स्टार्ट हो रहा उस वाले डिटेशन पे आएंगे और देन आपको इमेज पे टैप करेंगे और इफेक्ट के ऑप्शन में थ्री डॉट पे जाके पेस्ट, तो यहाँ पे पेस्ट कर लिया तो इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। देन आपको एक इमेज को छोड़ देना, देन अगले पे पेस्ट करना है, तो यहाँ से ऐसे ही करना आपको एक इमेज छोड़ के अगले इमेज पे पेस्ट करें।
देन फिर से आपको एक इमेज को छोड़ देना है अगले पे पेस्ट करना है, देन फिर से आपको एक इमेज को छोड़ देना है देन अगले पे पेस्ट करना। तो यहाँ पे यहीं पे है देन आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको देख सकते गाइज यहाँ पे आपको एक कलर्स आ रहा है, तो यहाँ पे कलर ऑफ करने के लिए क्या करना है आपने इस पर टैप करना, इफेक्ट के ऑप्शन में जाना और यहाँ पे आपको चैनल RGB को बंद करना, ह्यू शिफ्ट को बंद करना और यहाँ पे आपको सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस को बंद करना और कलर ट्यून को बंद करना। तो यहाँ पे देख सकते हो वापस पहले जैसा हो गया फोटो। तो यहाँ पे इस टाइप से आपको कलर को ऑफ कर सकते हो। और देन आपको क्या करना गाइज आप सेकंड वाले इफेक्ट लगाएंगे, सो उसके लिए आपको इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना, देन इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन करना और यहाँ पे सेकंड वाला इफेक्ट कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो इमेज पे टैप करेंगे, इफेक्ट का ऑप्शन थ्री डॉट पे जाके कॉपी इफेक्ट करेंगे, देन इस वाले प्रोजेक्ट से ऑफ बैक आएंगे और बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको आगे स्लाइड करके जाना और इस बार आपको जो सेकंड वाले इमेज से स्टार्ट होना है तो यहाँ पे आपको पेस्ट करना है और देन आपको एक इमेज छोड़ के, तो जिस इमेज को छोड़ेगा वहाँ पे आपको फर्स्ट इफेक्ट ऑलरेडी लगा हुआ होगा, तो देन फिर से एक इमेज को छोड़ के देन अगले पे पेस्ट करें, देन फिर से एक इमेज को छोड़ के अगले पे पेस्ट करें। तो फाइनली हमारा डन हो गया। अब इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना, तो उसके लिए क्या करना गाइस आपको सेटिंग पे टैप करना और यहाँ पे इस कैप पे इसको 60 कर लेंगे और यहाँ पे आपको सेटिंग के राइट साइड में एक आइकन है, तो उस पर टैप करके वीडियो पे टैप करके एक्सपोर्ट पे टैप करेंगे तो एक्सपोर्टिंग पे लग जाएगा। और जिनका एक्सपोर्ट नहीं हो रहा होगा उसके वीडियो के आगे एरर है, तो यहाँ पे टैप करेंगे और यहाँ से क्वालिटी को थोड़ा सा कम कर लेंगे, 720 कर लेंगे तो कर लें, देन एक्सपोर्ट पे टैप करोगे तो एक्सपोर्ट पे हो जाएगा। सो गाइस यार कैसी लगी आज की वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें बट डिसलाइक कर सकते हो, तो लाइक और डिसलाइक आप पे डिपेंड है, जो मर्जी करके जाएं। और हाँ मिलते किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तो बाय बाय।